मेरी नज़र में ये परफेक्ट टाइम है उन लोगों को जवाब देने का जिन लोगों ने तुमसे कहा था कि तुम्हारे परसेंटाइल कम है फर्स्ट अटेम्प्ट में और सेकेंड अटेम्प्ट में 99 भूल जाओ। ये परफेक्ट टाइम है उनको जवाब देने का। तो सबसे पहले तुम कमेंट्स में जाओ एंड टेल मी दैट आर यू रेडी, क्या तुम उनको जवाब देने के लिए तैयार हो, और अगले 10 दिन तुम इसी माइंडसेट के साथ काम करने वाले हो ना कि भाई तुम्हें क्विटर नहीं बनना है। और अगर तुम क्विट नहीं करते हो और अगर तुम हर दिन और ज्यादा हार्डवर्क करते हो और ज्यादा फाइट मारते हो, तुम ऑलरेडी 99% वाले बंदे हो, ऑलरेडी हो। ये मैं कह रहा हूँ और मेरी ये वॉइस, मेरी ये बातें, मेरी ये लाइन सुना दो सबको जो तुमसे कहते हैं कि तुम्हारे 99% नहीं आएगा, सुना दो। नाउ कौन से ऐसे हिडन एलिमेंट्स हैं जो तुम्हारे 99% लाने वाले हैं? कोई बाबा जी की बूटी, कोई भी जड़ी बूटी नहीं है जो मैं तुमको देने वाला, मैं तुमको बिल्कुल ज़मीन पर लाने वाला हूँ। एंड यकीन मानो जितनी चीज़ें सिंपल हैं, जितनी चीज़ें ऑर्डिनरी हैं, जितनी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ग्राउंड पर इंसान करता है, ज़मीन पर करता है, वही चीज़ें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देती हैं। दुनिया बहुत कैओटिक है तो सारी सिंपल चीज़ें ना छिप जाती हैं, लोगों को वो ग्लैमरस चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं, सबको लगता है ये कर लेंगे वो कर लेंगे तो हो जाएगा, और बेसिक जो चीज़ें होती हैं सब भूल जाते हैं। कभी भी किसी चैप्टर को, जो टफ चैप्टर होता है रोटेशन जैसा या आयनिक इक्विलिब्रियम जैसा, तुमने यही सुना है ना टफ चैप्टर है, बट टफ नहीं होते वो, उनके बेसिक्स और अच्छे से समझने होते हैं। बहुत ज़्यादा बेसिक में जाना पड़ता है, वो बेसिक के भी डेप्थ में जा करके चीज़ें और क्लैरिटी के साथ समझनी होती है। लाइफ में जितनी चीज़ें लोगों को तुम देखते हो ना कि लोग उसको गलत परसीव करते हैं, बेसिक्स नहीं अच्छे, तो वही मैं तुमको ज़मीन पर लाना चाहता हूँ। 99% लाने के लिए किन हिडन एलिमेंट्स की बातें मैं कर रहा हूँ वो समझाना चाहता हूँ तुमको, ध्यान से सुनना। एंड मैं बता दूँ कि तुम में से जितने भी लोग 60-70% या और नीचे परसेंटाइल पर भी हैं, उनके लिए जो बड़ा जंप होगा वो भी 99% से कम नहीं है। दैट इज़ वट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि वो ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट है। मैंने एक बच्चे का लगाया भी था ना 25% से 93-94% यार, वो बच्चे हैं जो एक्चुअली 100% है। किसी ने ऑलरेडी तुम 90+ में थे, 95+ में थे, फिर तुम 99 पर आ गए, उससे ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट है। वैसे तो अचीवमेंट का कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई पॉइंट नहीं बनता कि तुम खुद को कंपेयर करो किसी और से, किसी और को कंपेयर किया जाए तुमसे। बट मैं कह रहा हूँ कि जस्ट इमेजिन दैट कि किसी के परसेंटाइल बहुत कम है, 25%, 30%, क्या मेंटल प्रेशर होती है यार, मजाक नहीं होता। वो उस मेंटल प्रेशर पे और लोग निगेटिव एनर्जी दे रहे होते, तेरे से नहीं होगा, ऐसे वैसे दस तरह की बकवास बातें, और वहाँ से वो बंदा जो फाइट करता है अपने आप पे, खुद पर ट्रस्ट रख करके वो बंदा आगे बढ़ता है, खुद पर ट्रस्ट रख करके बंदा आगे बढ़ता है भाई, और बढ़ते चला जाता है खुद पर ट्रस्ट करके, और फाइनली यहाँ तक पहुँचता है। तो मैं कौन से हिडन एलिमेंट्स की बातें कर रहा हूँ? जो सबसे पहली चीज़ है वह है कि तुमको अपने हैबिट्स को बहुत ईजी और ऑब्वियस बनाना पड़ेगा। नंबर वन थिंग, यू हैव टू मेक योर हैबिट्स ईजी एंड ऑब्वियस। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल के सुबह उठने में तुमको दिक्कत होती है, मान लो तुम आउटलायर्स वाला प्रोग्राम फॉलो करते हो बट तुम गड़बड़ा रहे हो, 11:30 से 1 के बीच में सोना है, सुबह तुम्हें 6:30 से 8 के बीच में उठना है, ठीक है? तो तुम 8 बजे नहीं 8:30 बजे 9 बजे उठ रहे हो, अलार्म क्लॉक लगाते हो लेकिन सुबह नींद आ रही होती तो ऑफ कर देते हो, तो अलार्म क्लॉक को तुम रूम से बाहर रखो सो दैट तुम्हें उठ करके जाना पड़े, ये मतलब रूम के कोने में रखो, तुम्हें उठना ही पड़े बेड से। सो इन दिस वे यू हैव मेड एवरीथिंग ऑब्वियस, तुम्हें उठना ही पड़ेगा, तो हो गया टूट गई। सेकेंड थिंग इज दैट कि यू हैव टू अलाइन योर हैबिट्स विथ योर पर्सनल वैल्यूज़, तुम्हें अपने पर्सनल वैल्यूज़ के साथ जोड़ना पड़ेगा अपने हैबिट्स को, तो उनको फॉलो करना और आसान हो जाएगा, उनको तुम समझ पाओगे कि चाहिए हैबिट्स मुझको बनाने हैं। हैबिट्स एक्चुअली एक ऐसा सिस्टम बना करके देते हैं जिस सिस्टम में तुम जो रम जाते हो और फिर जो अनबीटेबल बन जाते हो। तुम देखते हो जो विनर्स होते हैं, तुमको देखते लगते हैं भाई उनकी आदतें ही अलग हैं, हरकतें ही अलग हैं, भाई उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना लिया जिस सिस्टम का वो पार्ट है, वो सिस्टम उनके लिए काम करता है। सारी अच्छी अच्छी बुक्स जो होती है ना प्रोडक्टिविटी की, वो यही समझाती हैं तुम्हें कि तुम्हें छोटे छोटे ऐसे ऐसे हैबिट्स बनाने पड़ते हैं, वो हैबिट्स मिलकर के एक सिस्टम बना देते हैं तुम्हारा, उस सिस्टम में तुम चलते हो और वो सिस्टम बेहतरीन तुम्हारे लिए आउटपुट देता है। तो तुम्हें अपने पर्सनल वैल्यूज़ के साथ, पर्सनल वैल्यूज़ का मतलब कि तुम्हें खुद से पूछना पड़ेगा व्हाट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मी, हाउ डज दिस हैबिट इज़ गोइंग टू हेल्प मी अटेन दोज वैल्यूज़, उन वैल्यूज़ को पाने में ये हैबिट्स कैसे हेल्प करने वाली हैं,
मैं जो भी कर रहा हूँ वो कैसे हेल्प करने वाली, सब चीज़ें पूछते रहोगे ना। मैंने एक और छोटी वीडियो डाली थी कि 9 थिंग्स जो तुमको पूछते रहना चाहिए खुद से, समझे, उस वीडियो को भी देख लेना, ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। फिर तुम जो एक गड़बड़ करते हो मेरी नज़र में, जो थर्ड पॉइंट है वो ये कि तुम एक पॉजिटिव फीडबैक लूप नहीं बनाते हो। यू हैव टू क्रिएट अ पॉजिटिव फीडबैक लूप कि अच्छा ठीक है, मैंने आज ये काम किया और मैं यहाँ तक पहुँचा, ठीक है मैं 100% नहीं लेकिन 80% तक पहुँचाऊँ, ठीक है अब आई हैव टू टैप माई सेल्फ कि ओके यार अच्छा काम किया। एंड देखिए मानो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्यों ज़रूरी है यार, कोई नहीं आने वाला दुनिया में तुम्हें पुश करने के लिए, तुम ही हो। हर तरह के प्रेशर, हर तरह की नेगेटिविटी में ना तुम खुद को तुम पुश करते हो, तुम खुद को खींच के ले जाते हो। दुनिया यार तुम्हें स्टेज पर तुम्हारी सफलता देखती है, पर्दे के पीछे जो मेहनत हुई है कोई नहीं देखता, सिर्फ तुम जानते हो। तुमसे जुड़े हुए तुमको ज़्यादा प्यार करने वाले जो लोग हैं वही जानते हैं। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनाओ। नेक्स्ट मेरी नज़र में कि तुम अपने फ्यूचर सेल्फ, नेक्स्ट पॉइंट कि तुम्हें अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ बातें करनी पड़ेंगी। तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि तुम्हारा जो फ्यूचर वर्जन है आज से 10 दिन बाद का, 1 महीने बाद का, क्या वो इस बात पर गर्व करेगा कि आज तुमने मेहनत करने की कोशिश की, आज तुमने डिसाइड किया कि आज जो बैठेंगे 4 घंटे का आवर ऑफ पावर करेंगे तो बीच में दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए मैं हटूंगा नहीं। मैं तो हमेशा बातें करते रहता हूँ, पूछते रहता हूँ कि 10 दिन बाद का मोहित गर्व करेगा कि नहीं कि आज मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि आज मैं टेम्परेरी प्लेजर्स को साइड करके मैं अपने गोल्स की तरफ फाइट करूँगा। बोरिंग चीज़ें, सिंपल चीज़ें, मतलब लोग, तुम भी एंटरटेनमेंट किसका मन नहीं करता, पर तुम्हें समझना पड़ता है कि ये टेम्परेरी प्लेजर्स से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे जो परमानेंट गोल्स हैं वो हैं। मेरे गोल्स जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, टेम्परेरी प्लेजर्स इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो मैं गोल्स अचीव करने वाला हूँ वो मुझको जो है लॉन्ग टर्म गोल्स जो है, लॉन्ग टर्म प्लेजर जो है वो मुझको शॉर्ट टर्म पेन से ही मिलने वाला है। शॉर्ट टर्म प्लेजर जो है वो लॉन्ग टर्म पेन देने वाला है, ये समझना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट तुमको एसोसिएट करना पड़ेगा अपने हैबिट्स को अपनी आइडेंटिटी के साथ। अब आइडेंटिटी मतलब जैसे मैं बात करूँ तो किसी एथलीट को ले लो, उसैन बोल्ट को, कि वो रनिंग कर रहा है तो वो रनिंग कर क्यों रहा है, क्योंकि वो देखता है खुद को कि ओलंपिक में मेडल जीतने वाले बंदे के रूप में उसको याद किया जाएगा लोग जबान पे। जैसे मैं तुम्हारे सामने एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे उसको पता है कि ये मेरी आइडेंटिटी है भाई, लोग जानते हैं कि ये इंसान जो है सबसे फास्ट रनर है, एग्जाम्पल देंगे लोग। तो दिस इज़ समथिंग तुम्हारा समझना बहुत ज़रूरी है, आइडेंटिटी तुम्हारी क्या, तुम देखते हो अपने आप को उस आइडेंटिटी के साथ के नहीं। तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ ना विश करते हैं लेकिन एक्चुअली उनके सपने में दम नहीं है, वो अपने सपने से प्यार ही नहीं करते, वो अपनी आइडेंटिटी को सोच ही नहीं पाते, उनको डर नहीं लगता कि अगर वो आइडेंटिटी उनको नहीं मिलेगी तो क्या होगा। अब कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं, डरने का मतलब भाई कि आप केयर करो, केयरिंग इज़ एक्चुअली द मेन थिंग ना। डर करके तुम छोड़ दोगे चीज़ों को, केयरलेस रहोगे तो वैसे ही छोड़ रहे हो। तो तुम्हें समझदार इंसान बनना है, सिंसियर बनना है, केयरफुल बनना है कि अच्छा ये मेरी आइडेंटिटी है और मैं ये जो काम कर रहा हूँ उससे मेरी जो आइडेंटिटी मैं फ्यूचर में सोच रहा हूँ वो आइडेंटिटी मेरी खतरे में पड़ने वाली है। द लास्ट पॉइंट इज अकाउंटेबिलिटी। तुम्हें अपने लिए एक ऐसा अकाउंटेबिलिटी वाला सिस्टम बनाना पड़ेगा। यू हैव टू डिजाइन एन अकाउंटेबिलिटी सिस्टम जहाँ पर कि तुम अपने आप को जिम्मेदार ठहरा सको, बता सको कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ, यहाँ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ मैंने स्क्रॉलिंग करके टाइम वेस्ट किया, यहाँ पर दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट किया, यहाँ पर मुझको टाइम वेस्ट नहीं करना था, यहाँ पर लेक्चर प्रॉपर्ली लगाना था, हर चीज़। ये अकाउंटेबिलिटी सिस्टम के लिए मैंने जर्नलिंग की आदत बताई हुई आउटलायर्स वाले प्रोडक्टिविटी वाले प्लान में, आउटलायर्स के डेली रूटीन वाले में। तुम मुझको टेलीग्राम पर सारा हिसाब किताब भी भेजते हो कि कैसे कैसे कब कब तुमने जर्नलिंग की, कब मेडिटेशन किया, राइट। तो ये सब अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम है। बीइंग आईटीएन चैनल जो है मेरी बहन का रितिका का, वहाँ पर भी बीइंग आईटीएन कंसिस्टेंसी चैलेंज है जो कि इन सब चीज़ों में तुमको सपोर्ट करता है। तो ये अकाउंटेबिलिटी सिस्टम भी तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। तो ये वो हिडन एलिमेंट्स हैं जो अभी भी तुम 10 दिनों में तुम अप्लाई करते हो और जिनका ये एडवांस होने के लिए बहुत ज़रूरी है ही है। जय मेन वाले भी 10 दिन में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। ये प्रॉमिस करके जाओ, एज अ चैलेंज भी लो इसे और एज अ प्रॉमिस करके जाओ कि तुम इन सभी हिडन एलिमेंट्स को फॉलो करोगे एंड सी द बिग चेंज।